ये क्या हो रहा है भाई? अरे भाई देखो, पीयू बताओ क्या हो रहा है। मसाज मसाजिंग हो रहा ओ, है। अरे मसाज चल रही है यहाँ पे। पता है मेरे को ना गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था, मतलब पिछले कई दिनों से, तो हाँ इसके कारण से मैंने मसाजर लिया हुआ है। हाँ अरे और वाह, अच्छा इसकी अच्छी बात है ना कि पूरा एंड तक पहुंच जाता है, मतलब आप हाँ, पूरा एंड तक इसको लेके जा सकते हो। तो आपका हाथ पीछे तक जा रहा हाँ है। यार सच में, मतलब अच्छा बहुत जी, मजा आता है, मतलब आपको एक बीवी की जरूरत नहीं है। अच्छा बीवी का बीवी काम खत्म। का काम खत्म है यार, ये मसाजर से अच्छा कुछ नहीं है। ये रियली ओ विल नॉट रिग्रेट एट ऑल आफ्टर बाइंग इट। ओ, मतलब ये कौन सी ब्रांड है? ये है अगारो। हाँ, मतलब ब्रांड है गारो यार, मतलब इतना मजा आ रहा है ना सच में, मैं बता नहीं सकता। इमेंस प्लेजर प्लेजर। और लिटरली मैं आप ये वाला जो हेड है इसके साथ में आप एक्यूप्रेशर भी कर सकते हो। और यार मेरे को मतलब है ना, जैसे मेरा दर्द था, मेरे को ना बैक में थोड़ा दर्द हो रहा था कल, ज़्यादा कुछ तो भी गलत पोस्चर में बैठ गया हूँ या कुछ, तो मैंने मुश्किल से ही 3-4 मिनट किया हुआ ऐसे, और मुझे बहुत बहुत आराम मिला, मतलब अच्छा मेरा एकदम ख़त्म ही हो गया इनफैक्ट। ओ सही हाँ है। तो यार मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मतलब अगर आप ये गिफ्ट करना चाहते हैं अपने मम्मी पापा को या वगैरह, तो बहुत अच्छा एक गिफ्ट हो सकता है ये। और मतलब मुझे तो अपने लिए, खुद के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन जनरल मुझे तो खुद के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन जनरल मैं जिम में बहुत सारे मेरे को इंजरीज वगैरह होते रहते हैं, तो और कई जिम के जो स्ट्रेन्स होते हैं उसको दूर करने के लिए भी मतलब हाँ कभी काफ़ी अच्छा थकान लग फील रहा हो है। तो भी कर सकते हैं, मतलब मेरे को भी फील हो तो मैं भी कर सकती हाँ मतलब हूँ। ये क्या है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है एंड लाइक, हाँ, मतलब हाँ बहुत हाँ हाँ मज़ा हाँ आया सच में। वाह 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 वाह, मैंने थोड़ी देर पीयू को भी किया था, देखो पीयू भी एकदम है ना एंजॉय कर रहा था। आपको भी पीयू किया था ना, पीयू? अरे बच्चों को इतना नहीं करना चाहिए, वो खुद ही अरे इतना नहीं, कैसा लग रहा है बताओ, बता दो जरा। देखो अच्छा लग रहा है। और दूसरी ये बात है ना, आप इसका ये इसमें ये सेटिंग ऑप्शन है कि आप वाइब्रेशन इसका एडजस्ट कर सकते हो, और ये एक ऑटो है तो ऑटो में अपने आप वो एडजस्ट होता रहता है जो और भी। ये भी तो है इनके, ये क्या क्या है इसका, ये चेंज करने का। और ये है ऑन ऑफ का बटन, ये काफ़ी अच्छे हैं। एंड इसके जो हेड्स हैं, ये हेड्स हैं ये काफ़ी सारे हैं, मतलब चार हेड्स दिए हुए हैं इसमें, चार चेंज हो पांच जाती है। पांच हाँ हेड्स दिए हुए हैं, तो चेंज कर सकते हो। ये जैसे है हाँ हाँ ये एकदम स्मूथ वाला है, अच्छा, और रुको तो ना, आज आप, ये दर्द हो रहा है क्या आपको? नहीं दर्द मतलब थोड़ा सा मेरे को नेक में हो रहा था, तो उसी के लिए मैं कर रहा था, मतलब नेक में थोड़ा मेरे को आजकल हो रहा है ऐसा। तो ये ना तो मतलब ये आप बहुत अपना ही पेन खत्म कर रहे हैं, बीवी सच की में जरूरत यार, नहीं है। सच में। अच्छा हाँ, ये लो। एंड इसके ना ये ऐसे हेड्स बदल बदल के मैं कर रहा हूँ, मतलब करता रहता हूँ मैं, तो बहुत मज़ा आता है। ये मेरे पास में मतलब थोड़ा टाइम हो गया इसको लिए हुए, मगर अभी बीच में मैं कर नहीं रहा था ये वाला मसाज, आज निकाला है बहुत दिनों के बाद में, तो यार ये मज़ेदार लगता है मुझे। मतलब आप ले सकते हो, गर्दन में पेन है या बैक वैक में पेन है तो, या पैर वैर में पेन है या हाथ में है, तो बहुत, एक तो लाइट वेट भी है एंड लाइक मज़ा आता है ऐसे करने में। और इन केस एक्चुअली मुझे एक थोड़ी बुरी आदत है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं रात में ना तकिया लगा के सो रहा था, तो उसके कारण से मेरा जो गर्दन है उसमें पेन भी हो गया, और गर्दन थोड़ा आगे को झुक गया, मतलब थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, मुझे ऐसा दिखाई दिया कि शायद आगे को झुक रहा है करके। एंड फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे पोस्चर करेक्शन के लिए भी कुछ लेना चाहिए, और नेक पेन रिलीव के लिए भी कुछ लेना चाहिए, तो मैंने एक दो चीज़ें ली हैं नेक पेन रिलीव के लिए और पोस्चर करेक्शन के लिए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी व्लॉग में। और ये मैंने लिया है, मतलब ये बैक जो ऐसे झुक रहा है मेरा गर्दन आगे, मेरी गर्दन जो झुक रही है उसको ठीक करने के लिए लिया है, तो ये मैंने मंगाया था। मैंने ये बैक पोस्चर करेक्शन वाला है ये, तो ये ऐसा करके बांध लेते हैं, तो इसको एवरी डे हमें आधा घंटा बांधना होता है,
और फिर आपका बोलते हैं कि पोस्चर करेक्ट हो जाएगा। तो ये अभी आजकल चल रहा है, मैंने मंगा के देखा है, लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट रहता है, वो देखते हैं अभी। और एक और चीज़ मैंने मंगाई है जो कि नेट से ही रिलेटेड है, ये अगर आप अच्छे दिखते हो तो दिस इज़ द बेस्ट फैशन विच यू कैन डू। तो इसके लिए मैंने एक ये भी मंगाया था, मतलब नेक मेरी थोड़ी आजकल इशू दे रही थी, तो फिर मतलब ओवर रिएक्टिंग कह सकते हैं इसको या कुछ भी कह सकते हैं, बट मुझे लग रहा था कि मुझे लेना चाहिए, मतलब नेक पेन नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। इंडिया में क्या होता है ना, अक्सर हम चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, मतलब वी शुड रिएक्ट टू द थिंग्स विच आर कमिंग इन द वे। मतलब कोई भी दर्द हो रहा है छोटा मोटा, तो हमें उसको मतलब उसको एड्रेस करना चाहिए तुरंत। अभी ये मैंने लिया है और ये नेक में लगा के, एंड ये फूल जाएगा, एंड ये बहुत, ये मैंने यूज़ किया है पहले, मतलब जब ये आया था तब यूज़ करके देखा था, तो आई जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स। ये नेक के अराउंड इसको ऐसे लगा लेते हैं एंड इसको प्रेस करते रहो, तो ये हवा भरती रहती है इसमें, और इसको यहाँ से आप लगा दीजिए। एंड ये वाला भी, एंड कीप ऑन प्रेसिंग इट। आहा, एकदम रिलैक्स। और आप उतना ही प्रेशर दीजिए जितना कि आपको रिक्वायर्ड है। और जो गर्दन वगैरह में दर्द रहता है ना किसी किसी को, अक्सर जो कंप्यूटर में काम करते हैं लोग, उनको, या ज़्यादा बैठ के सिटिंग वर्क है वो लोग कर रहे हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है। सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट, कि काफ़ी अच्छा है, अब तो एकदम आराम मिल रहा है इससे, मतलब इट इज़ गिविंग अ लिटिल प्रेशर ऑन माई नेक, इट इज़ गुड। हाँ, काफ़ी करेक्ट कर रहा है वो। माई गॉड, वेरी नाइस। सो थोड़ी देर आप इसको कर लीजिए, मतलब 15-20 मिनट लगा के रखो, तो बड़ा आराम मिलता है इससे, मतलब इट इज़ वेरी टाइट नाउ एंड इट इज़ गिविंग रिलैक्स। काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये, एंड हवा निकालनी है तो सिर्फ आपको इससे बाहर निकालनी है और हवा उसकी पूरी निकल जाएगी, एंड दैट्स इट, यू कैन सिट रिलैक्स्ड। और एक चीज़ मैंने ली है नेक के लिए, वो है ये, मतलब आप इसको, ये बटन प्रेस करते हो तो ये मतलब वाइब्रेट करती है, और आप इसको ऐसे पिलो की तरह आप लगा के, एंड व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, और इनफैक्ट जब आप सो भी रहे हो तो इसको नेक के नीचे आप लगा लोगे, तो ये ट्रैवल मतलब वाइब्रेट करके बहुत रिलैक्स करती है आपकी नेक को। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें दो सेल डालने की जगह है, एंड व्हेन यू प्रेस इट सो इट वाइब्रेट्स, तो ये बहुत अच्छा वाला फील देता है, अभी वाइब्रेट हो रहा है, सो इट गिव्स अ वेरी गुड फील ऑफ वाइब्रेशन, एंड मतलब मुझे अच्छा लगा। और अमेज़ॉन पे सस्ता भी मिल रहा था, इन जनरल ये बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो अब मेरे को काफ़ी सस्ते में मिल रहा था तो मैंने ले लिया एक, तो दिस इज़ वेरी रिलैक्सिंग ऑल्सो। अगर आप में से किसी को नेक की प्रॉब्लम है तो यार ये तो मैं रिकमेंड करता हूँ, ये आप ले सकते हैं, मतलब इसको आप ऐसे यहाँ पे बांधने की जगह है, एंड यू कैन कीप इट लाइक दिस। सो और दूसरा मैंने एक चीज़ ली है, वो है मेरे जिम का बैग। मेरे जिम का जो मतलब पुराना वाला बैग है वो ख़राब हो गया था, वैसे मेरी मिनिमलिस्टिक अप्रोच रहती है कि जो भी कम से कम सामान है वही ले लूँ मैं, बट अब वो पुराना वाला है, वो थोड़े समय के बाद में फट ही जाते हैं बैग्स वगैरह जो जिम के रहते हैं, तो अभी ये वाला आई हैव टेकन वन, और काफ़ी अच्छा है, चेन्स वगैरह इसमें काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, इसका मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मतलब अगर आपको लेना है तो दिस इज़ ऑलवेज रिकमेंडेबल, मतलब ये एक चेन है एंड अनदर चेन इज, मतलब यहाँ पे कुछ रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है, एक चेन इधर की साइड में है एंड वन चेन इज़ हियर ऑन दिस साइड,
और कई सारे जो जिम के बैग्स होते हैं उसमें ऐसे पकड़ने के साथ साथ, मतलब ऐसे पकड़ने के साथ साथ ये नहीं दिया रहता, या तो ये दिया रहता है ये नहीं दिया रहता, तो इसमें दोनों चीज़ें दी हुई हैं। दिस लुक्स वेरी नाइस एक्चुअली, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो आराम से। तो वही है, मैं इसको यूज़ करने के लिए सोच रहा हूँ एंड विल रिप्लेस माई ओल्ड बैग। और एक चीज़ आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं एक जिम एंथुसियास्ट हूँ, फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ। तो और एक चीज़ मैंने मंगाई है, वो है ये मेरे ग्लव्स हैं, जो मेरे पुराने ग्लव्स थे वो ख़राब हो गए हैं एंड ये वाले काफ़ी अच्छे हैं। यू कैन सी, मतलब जब आप इसको पहन के ग्लव वो जिम करते हो तो आपके जो हथेलियाँ हैं मतलब वो इतने हार्ड नहीं होते, कुछ कुछ लोगों के हाथ बहुत हार्ड होते हैं, तो दैट डजेंट लुक गुड। तो उसके लिए ये होता है, जो जिम वाले होंगे वो एकदम समझ जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फिट एंड यू कैन वॉच, मुझे अच्छे लगे काफ़ी। कम बैक फ्रेंड्स, आपने देखा वर्मा जी आपको अपना सारा सामान दिखा रहे थे, अपना जिम से एसेंशियल चीज़ें दिखा रहे थे, रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो उन्होंने मंगवाई है अमेज़ॉन से। तो अगर आप भी जिम वगैरह करते हैं तो आप देख सकते हैं वो सारे प्रोडक्ट, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, माई हॉल स्टोर की भी लिंक मिलेगी। और यहाँ पे ये सारे कपड़े रखे हैं, मुझे इनको फोल्ड करके रखना है। और बस अभी मैं यहाँ पे बैठी थी तो मैंने सोचा इस व्लॉग को मैं एडिट कर रही थी तो एंड नहीं हुआ था, वर्मा जी ऐसे ही चले गए थे, एडिट नहीं किए, मतलब एंड नहीं किए थे, तो मैं इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ। और वर्मा जी ने तो बता ही दिया है कि अब उनको अपनी बीवी की ज़रूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी। सो दैट वो तो मजाक की बात थी। और आज धूप बहुत तेज़ है, मतलब बारिश का तो अब नामो निशान नहीं है, बहुत गर्मी हो गई है मुंबई में। आप लोग के शहर का क्या हाल है कमेंट करके बताते रहा करिए, अच्छा लगता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।